दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम 2020 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12 पास आउट रखा गया है। क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स के पास अप्लाई करने के लिए, मिनिमम 40% फिजिकल डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, और दोस्तों हम ये कभी आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करो, लेकिन इस वीडियो को जरूर से कहेंगे क्योंकि हो सकता है जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हो, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हो, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ना कर पाए। सो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस आगे भी चैनल में मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम कंडक्ट की जाती है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। बात करें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12 पास आउट रखा गया है। आप क्लास 12 पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद किसी भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्सेज में आप फर्स्ट ईयर में इनरोल होने चाहिए। नंबर टू, आप जहां एनरोल करते हैं जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं वो AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स में मिनिमम 40% फिजिकल डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप राशि दी जाती है सक्षम स्कॉलरशिप के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार बेटर है, अदर स्कॉलरशिप की बात करें तो वहाँ पे फिक्स रहता है कि इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सक्षम स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कितने एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे, कोई यहाँ पे सीट नहीं है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उन सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, और दोस्तों बात करें अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यानी कि इस स्कीम के थ्रू आपको कितनी स्कॉलरशिप राशि दी जाती है, तो टोटल 50,000 ईयरली बेसिस पे आपको यहाँ पे अवार्ड किए जाते हैं 4 ईयर्स तक, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप हो गया 4 ईयर्स। ओके, और जो आपको स्कॉलरशिप राशि मिलती है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको दी जाती है। ओके, और दोस्तों बात करें इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग सेंट्रल सेक्टर के लिए बात किए थे। और जैसे कि आपको पता है कि NSP पोर्टल पे जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है उन सभी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं जो भी डिटेल्स एलिजिबिलिटी वगैरह फिलअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग NSP पोर्टल पे अवेलेबल स्कॉलरशिप का लिस्ट मिलता है, और उस लिस्ट में से हम उस वीडियो में सेंट्रल सेक्टर को चूज किए थे और आपको सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम को चूज करना है। ओके, दोस्तों इस तरीके से आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने सेंट्रल सेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया या फिर प्रगति के लिए या फिर कोई भी अदर स्कॉलरशिप ले लो, तो क्या हम सक्षम स्कॉलरशिप में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? तो इसका आंसर है सीधा सीधी नो, क्योंकि एक साथ आप मोर देन वन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ओके, और दोस्तों बात करें यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले था 31 दिसंबर, लेकिन अब बढ़ा करके 2nd week of January तक कर दिया गया है। तो अब आप 2nd week of January तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग। और अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करिए। और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज आगे भी चैनल में मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।